अच्छा तो फिर सोल्यूशन क्या है? मेरे लिए तो ये बहुत उलझा देने वाला टॉपिक है कि हम करें तो करें क्या। तो मेरा ख्याल है कि बजाय एक दूसरे का इंतजार करने के या एक दूसरे पर टोपी घुमाने के बजाय, कम से कम ये जो सिंगल यूज वाला प्लास्टिक, यानी कि जो एक बार इस्तेमाल करके थैली हम उछालते हैं, उससे ही गुरेज करें, उसको ही कम से कम इस्तेमाल करें, उसको ही डिस्करेज करें, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। ओके। कपड़े का थैला, हाँ कपड़े का थैला हम शॉपिंग पे लेके जा सकते हैं, बल्कि बैकपैक लेके जा सकते हैं, या कम से कम हम ये भी तो कर सकते हैं कि साल में एक या दो दफा ही सही सस्टेनेबल फैशन के नाम पर लुंडे से इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनना शुरू कर दें। इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ये 500 रुपए की जैकेट है, नो प्रॉब्लम। दीगर रिसोर्सेस वो क्या होती है? पानी, बिजली, गैस और तमाम रिसोर्सेस को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हल्के हाथ से इस्तेमाल करें, गाड़ियों से खा खा कर चीजें ना उछालें। जिस तरह हम अपना घर साफ रखते हैं, शायद कोशिश करें तो हम सड़कों को भी अपना घर समझें, इस मुल्क को भी अपना घर समझें, इस दुनिया को अपना घर समझें। बस मैं और आप, जी मैं और आप, अगर आहिस्ता आहिस्ता जेनरेशंस में बसे हुए कचरा फैलाने की इस लानत को और रिसोर्सेस के बेजा इस्तेमाल करने की और वाट लगाने की आदत को मौत के घाट उतार दें, तो फिर मैं ये कहूंगा कि ओके की रिपोर्ट है। वरना हम तो होंगे नहीं, लेकिन ये प्लास्टिक जरूर होगा डूड। अगर ये क्लिप टाइट लगा है और पूरा देख लें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उसमें क्या करना है, क्लिक।